दूसरी बात जिसके लिए हम इकट्ठे आए हैं, पांचवा सनातन धाम कंबोडिया, इसलिए कंबोडिया की धरती को प्रणाम तो करना ही चाहिए और ना करने का कोई कारण नहीं है। दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये धाम बनना या मूर्तियां बनना, इनका जन्म क्यों हुआ है? व्यक्ति अपने जीवन में झूठ नहीं बोले, मकारी नहीं करे, बेईमानी नहीं करे, गलत ना करे, और वह अपनी गलती को, बुराई को मान सके, धीरे धीरे विश्व के अंदर एक क्राइसिस खड़ा हो गया। और क्राइसिस ये खड़ा हुआ, पति पत्नी हैं, बाप बेटे हैं, माँ बेटे हैं, भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा कर रखते हैं। और सबके मन में ये डर होता है कि अगर मैंने अपनी सच्चाई बताई, आई कैन बी मिसयूज्ड एंड कैन बी एक्सप्लॉइटेड। इसलिए गुरु शिष्य से, शिष्य गुरु से भी छुपा कर रखते हैं। आप में से कोई नहीं कह सकता होगा कि मैं कभी अपना पूरा सच बोलता हूँ। आ गया कंबोडिया में, भारत में और दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं, 726 करोड़ की दुनिया है इस समय, तो उसमें से यही चंद क्यों? तो मानकर चलिए प्रभु ने हम सबके जीवन में कोई ऐसी सुंदरता, ऐसी खुशबू और ऐसा सौभाग्य और ऐसा प्रकाश दिया है कि देख बेटा, तू कुछ भी है और कैसा भी है, पर इस श्रेष्ठ कार्य के लिए तुझे मैं चुनता हूँ और कंबोडिया में बुलाता। इसका मतलब है कि आप सब भाग्यशाली हैं, आप सब भाग्यशाली हैं, हम तो भाग्यशाली हो ही जाएंगे सब। आपसे थोड़ा थोड़ा छुएंगे तो हमारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। और इसलिए जो कंबोडिया में, सनातन में और विश्व में एक नया घटनाक्रम जन्म ले रहा है, वर्ल्ड विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, उसमें इस पांचवें धाम को एक मुखर भूमिका निभानी है। इसलिए जितना चाहो देते जाना। भगवान जी कहते हैं, देख भाई शर्त पक्की, जितना देगा 10 गुना दे दूंगा। अब अगर 1 रुपया दोगे तो 10 मिलेगा, 1 करोड़ दोगे तो 10 करोड़ मिलेंगे, फैसला तो आपको करना है। भगवान जी ने अपना निर्णय सुना दिया कि जितना दोगे 10 गुना, पर पंडित जी ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं नहीं भाई, भगवान कहता है 100 गुना भी मिल सकता है। अब 100 गुना लेना है तो 10 करोड़ दे दो, 1000 करोड़ है, 20-50 पीढ़ियों को कुछ कमाना ही नहीं पड़ेगा, इतना मिल जाएगा, वो मिलेगा। तो इसलिए दिल खोल कर देना और दिल खोल कर दिलवाना। इस मामले में दिल को कंजूस नहीं करना, कंजूस आदमी बड़ा खराब होता है, इसलिए कंजूस नहीं बनना, दिलदार बनना, तो इसको ध्यान में रखना। और बड़े बड़े ग्रंथों की फिल्मी 2 लाइनों में व्याख्या करता हूँ। पहला है, वायदा किया तो निभाना पड़ेगा। अब सनातन धर्म का 5वें धाम का वायदा किया है तो इसको निभाएंगे नहीं, तोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, करना। और दूसरी लाइन है, प्यार किया तो, जब स्वामी जी से प्यार कर ही लिया है तो झगड़ा काहे का साहब, पूरा निभाना उसको।
दिल खोल कर किया, चोरी छुपे नहीं किया साहब। इसलिए कोई वैलेंटाइन डे नहीं है, घर में मनाया नहीं जा सकता। कोई दूसरी डगर चुनो, राधा कृष्ण जैसा है खूब मना सकते हैं। तो हमने सनातन धाम से और पूज्य कुमारन स्वामी जी से प्यार भी कर लिया और वायदा भी कर लिया है। और जब दोनों कर लिया तो तोड़े नहीं जा सकते, निभाए ही जा सकते। डरने की जरूरत नहीं है, दिल खोल कर करना। अपने से भी बात करो, घर में भी बात करो, दोस्तों मित्रों से भी बात करो। और मुझे पूरा विश्वास है, हम लोगों ने मिलकर जिसकी नींव रखी, हम उसको मरने से पूर्व निर्माण कर लेंगे और अपने हाथों से बनाएंगे भी, अपने हाथों से उसका कलश चढ़ाएंगे भी। बोलो, पूरा विश्वास है कि नहीं है? जिनको पूरा विश्वास है दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए। सनातन धर्म की, तो इसलिए पक्का। अब मैं ये काम तो नहीं करूँगा कि बताओ कितना कितना दोगे, वो स्वामी जी के कान में मारना, वो देखते और सुनते हैं, बोलते नहीं हैं किसी को। तो इसलिए वहाँ कहना, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं उनको कह रहा था पिछले एक सप्ताह में मेरे भाग्य के साथ धन मांगने का बात कैसे जुड़ी है, तो मैं जम्मू में था 6 दिन पहले, वहाँ पर सीमा के क्षेत्र में और सेंसिटिव क्षेत्रों में जहाँ 2-4-5% हिंदू रहता है, पलायन नहीं करे और कन्वर्ट ना हो, भयभीत ना हो, तो एकल विद्यालय का अभियान प्रारंभ था। रिस्पेक्टेड ऑल डिग्निटरी, वेलकम फॉर दिस ग्रेट ओकेजन फॉर आवर सनातन Hinduism. You all are witness of this great occasion. तो हम अपने देश में बोलते हैं ना सबसे पहले कि किसी भी काम की शुरुआत के लिए लोगों का आशीर्वाद ले लिया जाए, तो सबसे पहले हम आप लोगों को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगते हैं। थोड़ा दोनों हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ने जो मुझे कार्य दिया है उस कार्य को हम अपने चीफ गेस्ट माननीय इंद्रेश जी के सहयोग से और भी जो हमारे आप साथी लोग हैं डॉक्टर हीरानंदानी जी के सहयोग से उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम जो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आखिर देश के बाहर, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि देश के बाहर क्यों, देश में ही क्यों नहीं? देश के बाहर जब मैंने बहुत सारे देशों में भ्रमण किया तो हमें यह आभास हुआ कि हमारे सनातन संस्कृति का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए उसमें मुझे कहीं कमी महसूस हुई। तो मैंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया के देशों को एक एक देश घूमा, कोशिश किया, लोगों से मिला, अन्नदान के प्रोग्राम चलाए देशों में कि लोग एक दूसरे को जाने पहचाने, हमारे भारत देश को जाने। उसके बाद हमने कंबोडिया में आके मेरा मन मस्तिष्क रुक गया। मुझे लगा कि जैसे ही हम कहीं हिंदुज्म की बात करते हैं या सनातन संस्कृति की बात करते हैं, सबसे पहले नाम कंबोडिया का ही आता है कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल अंकोर वाट जो कि कंबोडिया में स्थित है। तो हमने सोचा कि जब प्राचीन समय में हमारे आदरणीय पूर्वजों ने इतने बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण किया है जो कि आज भी विश्व की धरोहर है, तो हम भी प्रभु की आज्ञा लेके 5वां सनातन धाम देश के बाहर स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय इंद्रेश जी प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। मैं सब शंकराचार्यों जी लोगों से मिला, विशेषकर पुरी के शंकराचार्य जी के साथ मैं 2 बार डिस्कशन किया कि क्या होना चाहिए। उन्होंने बोला
कि हम लोग एक प्रोटोकॉल के तहत बंधे हुए हैं, देश के बाहर हम धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो स्वामी जी, ये अच्छा कार्य है, आप बीड़ा उठाइए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। फिर हमने उनका आशीर्वाद लेके स्वरूपानंद जी से मिला, सबको मैंने समझाया, कन्विंस करने की कोशिश किया कि कहीं लोगों को ये ना लगे कि हमको बिना विश्वास में लिए हुए इतना बड़ा कदम की घोषणा की जा रही है। तो मैं 2 साल तक लोगों से मिलता रहा, जितने भी हमारे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुआ, चाहे हमारा संपूर्णानंद हुआ, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है, सारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों से हमने काफी लंबी चर्चा किया। सब लोगों ने सहमति दिया कि नहीं, ये अच्छा कार्य है, जरूर करना चाहिए। तो 2 सालों के बाद जब हमारी मन मस्तिष्क की यह हालत हो गई कि नहीं, कंबोडिया एक अच्छी जगह है, तो हमने यहाँ पे इस 5वें सनातन धाम की स्थापना का निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद हमने धीरे धीरे, इसको 1 साल लगा इसको मूर्त रूप देने के लिए, जिसका अभी हम लोगों ने 30 मई को भूमि पूजन माननीय इंद्रेश जी के हाथों संपन्न किया। और यहाँ से हमारा कार्य जमीन में बीच हमने और माननीय इंद्रेश जी ने डाल दिया है। अब इसको खाद पानी देके हम लोग बड़ा बट वृक्ष की तरह से बनाने की कोशिश करेंगे कि जिसकी छाया जो है हमारे पूरे सनातनियों को मिल सके। दूसरी चीज कि विश्व में हम कहीं भी जाते हैं तो हमें भगवान शिव के रूप जरूर दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे लोगों मेरे पास भी आते हैं, वो कर पूछते हैं कि स्वामी जी, मैं किस भगवान को मानूं, किधर जाऊं, क्या करूं। लोग कंफ्यूजन की स्थिति में निर्णय नहीं कर पाते हैं कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो हमने जब शास्त्रों का अध्ययन किया तो हमें ये लगा कि हमारे जो यूनिवर्सल गॉड हैं, जिससे सृष्टि की आरंभ हुई और सृष्टि वहीं पे जाके खत्म होती है, आरंभ और अंत का स्रोत जो है वो लॉर्ड शिवा हैं, जो कि एक एनर्जी है और उसी एनर्जी से ये ब्रह्मांड चलता है। तो हमने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भगवान शिव की एक मूर्ति की स्थापना का साउथ ईस्ट एशिया के इस देश कंबोडिया में प्रयास किया, जो कि भगवान शिव की इच्छा मेरी है। मैंने कारीगर को दिया हुआ है कि मूर्ति 180 से 200 फीट के आसपास होनी चाहिए। हमारा टारगेट 180 फीट का है, इसलिए कि जो 9 नंबर होता है वो कभी कटता नहीं है, खंडित नहीं होता है, इसीलिए मनके में 108 माला होती है। तो हमने 180 फीट का निर्णय लिया है बनाने का। साथ में एक भगवान बुद्धा की भी मूर्ति हम बना रहे हैं, साथ में भगवान गणेश की भी मूर्ति बना रहे हैं। ये करके हमने, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो कि ये सनातन परंपरा की सनातन संस्कृति है, वो हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जब मैं काफ़ी कंबोडिया में घूमा तो हमें एक जगह यहाँ पे सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन हुए, जिसको देखकर मुझे अकस्मात एक ऊर्जा का, जिसको मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता हूँ, उसका अनुभव हुआ। तो मुझे लगा कि इतनी प्राचीन धरोहर और इस हालत में क्यों है। तो भगवान से मुझे प्रेरणा मिली कि इसको हम लोग सौंदर्यीकरण करें और यहाँ पे रुद्राभिषेक, पूजा पाठ का जो भी हमारे सनातन परंपरा का हिस्सा है, उसकी हम लोग शुरुआत करें और ये मैसेज हम लोग विश्व के हर देशों को पहुँचाएँ। कोने कोने में जो भी सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं उन तक हम लोग पहुँचाएँ और वहाँ पे रुद्राभिषेक का नियमित कार्यक्रम, पूजा पाठ चलता रहे, जिसके वजह से विश्व में शांति और भाईचारा बना रहे। आगे हम लोगों ने माननीय इंद्रेश जी से प्रेरणा लेके कि सनातन परंपरा में बुद्ध धर्म और अपने सनातन धर्म दोनों का मूल मकसद शांति है, तो हम लोग विश्व में शांति का प्रयास दोनों धर्मों को लेके करें, इसलिए कि अपना विश्वास
सब धर्मों में है, अपना विश्वास मानवता में है। हमारा मानना है कि मानवता ही सबसे बड़ी धर्म है, तो मानवता को लेके हम लोग अपने प्राचीन रूप को आगे लेके जाते हुए, और जैसे प्राचीन परंपरा में हमारा देश भारत देश, जिसका नाम लेने पर ही एक गर्व का अनुभव होता है, विश्व गुरु कहा जाता था। पूरे दुनिया से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे देश में आए। भगवान बुद्ध भी पूरी दुनिया घूमे, लेकिन शिक्षा उनको आके बौद्ध गया में ही मिली। तो भारत भूमि ही शिक्षा की भूमि है, जहां पे पूरे विश्व में जो भी शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो अपने भारत देश से ही निकल के गया। तो फिर से हम लोग कोशिश करेंगे कि भारत एक विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो, प्रयास करेंगे। आप लोगों का साथ है, भगवान के कृपा से हमारे मुख्य अतिथि माननीय इंद्रेश जी हैं, जो कि ज्ञान के भंडार हैं, तो हम प्रतिष्ठित करेंगे ही। इसलिए कि ये मेरा दृढ़ विश्वास है, ये प्रभु की इच्छा है कि इसको हम लोग जरूर पूरा करेंगे। आगे हम लोगों ने कोशिश किया कि यहाँ पे अपने देश से लोग आवे, ताकि यहाँ के संस्कृति को समझ सकें, देख सकें कि अपना सनातन हिंदुज्म कहाँ तक प्रचारित था प्रसारित था। उसके लिए हम लोगों ने जगह जगह सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पिलिग्रिम तीर्थयात्री यहाँ पे आ सकें। यहाँ हम लोग जो भी बुद्धिस्ट परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से अपने भारत देश जाएं और वहाँ जाके वहाँ के जो भी बुद्ध की संस्कृति है, जो भी उनके स्थल हैं, कहाँ बुद्ध पैदा हुए, कहाँ पे उनका वो हुआ, कहाँ पे ज्ञान लिया, उस जगह पे ये लोग जाके हमारी संस्कृति को सीखें, ताकि हम दोनों का आपस का संबंध और भी अच्छा हो सके। इसमें हम आपके सहयोग की हमेशा उम्मीद रखेंगे। इस सनातन परंपरा के लिए इतने बड़े अफ्रीकी देश घाना से हमारे किंग आए हुए हैं, जो कि इतना मुझे प्यार करते हैं, मदर क्वीन में आई हुई हैं, घाना से एक रीजन की और भी क्वीन आई हुई हैं, जो कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं, जिनके कि लाखों लाखों फॉलोअर हैं, ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे श्याम जी जो कि पूरे विश्व प्रभारी हैं, उन्होंने भी प्रेरणा दिया। हमारे शैलेश जी जो कि ज्ञान के भंडार हैं, काफी मुझे उकसाते रहते हैं कि गुरुजी ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये प्रेरणा लेके ये सब चीज़ों के मैं करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के जो भी सुझाव हो वो मुझे आप निष्पक्ष दीजिएगा, कोई भी संकोच मत करिएगा, इसलिए कि बिना सुझाव के आपके हम अधूरे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि जी को माइक देता हूँ, ये आपको काफी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। धन्यवाद।